नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संतोष कुमार मौजूद हैं। डॉक्टर साहब पटना पारस में कार्यरत है, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब से कि किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पड़ती है और इसके जो खतरे हैं, अगर कोई मरीज इस किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आप, मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत एक मरीज को कब पड़ती है। जैसे हम लोग पिछले सेशन में और भी प्रीवियस जो सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 हो जाने पर, जब लास्ट किडनी डिजीज़ का लास्ट स्टेज है, उसके बाद जनरली हम लोग थेरेपी जो बोलते हैं कि देयर रिनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब किडनी आपकी काम नहीं कर रही है तो और क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हम लोग किडनी के काम को ले सकते हैं, तो वो हम लोग बोलते हैं रिनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। जनरली दो टाइप की होती हैं, एक डायलिसिस एक ट्रांसप्लांट। तो इन दोनों में भी देखा गया है कि ट्रांसप्लांट इज़ मच बेटर, क्योंकि ये एक नेचुरल टाइप का प्रोसेस है, क्योंकि आप एक नेचुरल जो किडनी है उसको उस रिसिपिएंट जो डिजीज वाले पर्सन है उनमें लगा रहे हैं। तो ये लास्ट स्टेज में सीकेडी स्टेज 5 के और भी जो लास्ट स्टेज होते हैं, मतलब जिनमें अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग ये ट्रांसप्लांट करते हैं, और ये जनरली डेफिनेटली बहुत ही बेटर है देन डायलिसिस। अगर डोनर की बात किया जाए तो डोनर किस तरह के होने चाहिए, और डोनर की जैसे ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप किस तरह के होने चाहिए इसमें? हाँ, डोनर जनरली कौन होने चाहिए? बेसिकली डोनर कोई भी फैमिली मेम्बर में कोई भी डोनर हो सकता है, उसमें कुछ कुछ बीमारियाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे डोनर को जो हम लोग लेते हैं उनका थॉरो चेकअप करते हैं, उनके हार्ट का, लीवर का, उनके अपने किडनी का क्या स्टेटस है, दोनों किडनी का क्या स्टेटस है, दोनों किडनी कितना परसेंट काम कर रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग लेते हैं। और ब्लड ग्रुप की जहाँ तक आपने बात की, तो जनरली सेम ब्लड ग्रुप में करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एबीओ कंपेटेबल, मतलब सेम ब्लड ग्रुप। जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो या तो बी वाला उसको दे सकता है या फिर ओ वाला दे सकता है, तो बी को ओ या बी दोनों दे सकता है। मान लीजिए किसी का ओ है तो उसको केवल ओ दे सकता है, ये हुआ एबीओ कंपेटेबल। लेकिन आजकल बहुत सारे एडवांसमेंट आ गए हैं जिससे ब्लड बैरियर कुछ रहा नहीं, जैसे मान लीजिए बी को ए भी दे सकता है, ए को बी भी दे सकता है, तो कोई भी किसी को दे सकता है। बहुत सारे दवाई आ गए हैं जिसके कारण हम लोग मॉडिफिकेशन करके उन लोग में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। रिलेटिव को ही हम लोग प्रेफर करते हैं, रिलेटिव का थोड़ा सा मैच क्या HLA होता है वो अच्छा मैच करता है, और लॉन्गेविटी का लॉन्गेविटी ज़्यादा होती है किडनी ट्रांसप्लांट की। तो अगर हम बात करते हैं कि एक मरीज को जब इसकी ज़रूरत पड़ती है किडनी ट्रांसप्लांट की, तो उसे क्या क्या प्रिकॉशंस की ज़रूरत है? ट्रांसप्लांट के 3 महीने एक तरह से बोला जाता है जस्ट लाइक हेल, मतलब बहुत ही मुश्किल भरे, क्योंकि 3 महीने के भीतर इम्यूनोसप्रेशन का डोज आपका बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, ताकि आपका किडनी का रिजेक्शन नहीं हो पाए। तो 3 महीने आपका रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। 3 महीने आप चूँकि हाई इम्यूनोसप्रेशन पर रहते हैं तो इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इनिशियली हम लोग बोलते हैं कि जो भी जिनका भी ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे हम लोग अपने यहाँ जैसे करते हैं, 3 महीने तक पेशेंट को हॉस्पिटल के आसपास ही रखते हैं, और 3 महीना उनको रेगुलरली वीकली या ट्वाइस वीकली बुलाते हैं और उनका रेगुलर चेकअप करते हैं। तो 3 महीने आप अपने आप को डिजीज से बचा के रखें, भीड़ भाड़े वाले जो भी इलाके हैं उससे अपने आप को दूर रखें, ठीक है, स्वच्छ खाना खाएं और स्वस्थ खाना खाएं। जैसे कि आप ये नहीं कि सुबह का पका हुआ दोपहर में खा लिया, दोपहर का रात में खा लिए, जिस समय का पका हुआ उस समय ही खाएं। दवाओं को कभी नहीं भूलें, क्योंकि इनिशियली ये 3 महीने बहुत ही रिस्की होते हैं, अगर एक भी दवा छूटा तो आपकी रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है। और बीच में कुछ भी होने पर, हल्का सा फीवर होने पर भी आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को तुरंत से तुरंत दिखाएं, ताकि टाइम से उसको ठीक किया जा सके। जैसा कि हम बात करें ट्रांसप्लांट के बाद, क्या फिर से वो किडनी खराब होने की संभावना है? संभावना डेफिनेटली है, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी को किडनी खराब हुई है, उसको फिर हम लोग दूसरे का किडनी उसमें लगा दिए हैं, पर जिस कारण से वो किडनी खराब हुई है वो कारण तो हम लोग ने दूर नहीं किया। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज़ के कारण किडनी खराब हो गया है, और हमने दूसरे का किडनी लेके उनमें लगाया,
लेकिन उस पेशेंट को डायबिटीज़ को तो हम लोगों ने ठीक नहीं किया, तो डेफिनेटली वो जो पहले से रिस्क है उनके भीतर जो किडनी ख़राब करने का वो तो है ही, लेकिन जनरली क्या होता है कि ट्रांसप्लांट जैसे हम लोगों ने किया 60 साल या 70 साल में किया, ठीक है, तो हर एक डिजीज़ का कुछ टाइम होता है, कुछ ना कुछ टाइम होता है, जैसे कि ये 10 साल ये प्रॉब्लम होने के बाद ये डिजीज़ हो सकता है, तो तब तक मरीज़ का भी उम्र 80-90 साल का हो गया, तो जस्ट एज नॉर्मल एजिंग जो होता है उस हिसाब से ही चला जाएगा। दूसरा है कि अगर आपको पता है कि किडनी डैमेज हुआ है, क्या क्या कारण है किडनी का डैमेज होने का, तो आप उसका प्रिकॉशन पहले से लेकर रखते हैं तो वो उसके भी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। कुछ कुछ अलग से पॉसिबिलिटी होती है, जैसे रिजेक्शन की, तो रिजेक्शन की डेफिनेटली पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोबारा आपका किडनी ख़राब हो सकता है क्योंकि आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बाहर के किसी ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग इम्यूनोसप्रेशन की दवा देते हैं। और क्या है कि सब में हम लोग एडिक्वेट डोज ही दे सकते हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं दे सकते हैं कि उसको इन्फेक्शन से प्रॉब्लम हो जाए, या फिर इतना कम भी नहीं दे सकते हैं कि रिजेक्शन हो जाए, तो उसको बैलेंस करके देना रहता है, और हर एक 6 महीने पर, हर एक साल, और मतलब हर एक बार उसको थोड़ा एडजस्ट किया जाता है कि ताकि उसका डोज एडिक्वेट हो। अगर बात कर रहे हैं कि जैसा कि आपने बताया था कि भीड़ भाड़ वाले जगहों पर से जाने के बचने के लिए, तो एक्टिविटी की अगर बात कर ले तो किस एक्टिविटी को उसे अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए अगर कोई सिंगल किडनी पे है, अगर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ? बेसिकली कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ ही बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि आप इनिशियली जैसे ट्रांसप्लांट के पहले डायलिसिस पर रहते हैं, सप्ताह में 3 बार जाते हैं डायलिसिस, डायलिसिस का अपना कॉम्प्लिकेशन सब होता है, ठीक है, ट्रांसप्लांट के बाद आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाती है। इनिशियली अगर 6 महीने को हम लोग हटा दें ट्रांसप्लांट के बाद, जिसमें हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है, बाद में इतनी प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है, 1 साल के बाद जस्ट आप एज ए नॉर्मल पर्सन जो काम कर सकता है वो कर सकते हैं। कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली आपका किडनी यहाँ एक्स्ट्रा बाहर की ओर लगा हुआ रहता है, राइट इलेक फोसा या लेफ्ट इलेक फोसा में, तो डेफिनेटली वहाँ पर चोट नहीं लगना चाहिए, तो इस टाइप की काम नहीं करें जिसके कारण वहाँ पर चोट लगे, या फिर वहाँ पर कुछ अलग से ट्रॉमा हो, वो सब चीज़ों को अवॉइड करना है। बहुत ही भारी चीज़ अगर नहीं करते हैं तो नॉर्मल ऑफिस का वर्क, ठीक है, डे टू डे लाइफ का जो एक्टिविटी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जस्ट एज ए नॉर्मल आप रह सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो हमारे साथ साझा की है वो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप डॉक्टर संतोष कुमार को सुन रहे थे जिन्होंने हमारे साथ किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में जानकारी साझा की और क्या क्या बताया वो आपने सुनाई है। तो इस विषय में आपकी क्या राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।